इंसान वो जो दूसरे इंसान का दर्द समझे, इंसान वो जो दूसरे इंसान की तकलीफ को महसूस करे, इंसान वो जो दूसरे की अपने इस्तेआत के मुताबिक मदद भी करे। इंसानियत की खिदमत ही इंसानियत की मेराज है। डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी अलमारूफ गौस बाबा भी इंसानियत के इसी फ़लसफे पर काम कर रहे हैं। अपनी सालगिरह के मौके पर गौस बाबा ने स्टूडेंट्स और उलमा इकराम के साथ साथ इन माजूरीन का भी ख्याल किया। ये जिस्मानी माजूरीन हैं जो कि माशी तौर पर कमज़ोर भी हैं। ऐसे माजूरीन को भी गौस बाबा ने अपनी सालगिरह का हिस्सा बनाया, अपनी खुशियों में इनको शामिल किया, इनको भी तोहफे दिए और नजराना पेश किया। अब जरा इस मजमे को देख लीजिए। गौस बाबा की दावत पर मिल्लत की कितने माएँ बहनें बेटियाँ भी जमा हो गईं, होंगी भी क्यों नहीं। ये ख़वातीन गौस बाबा के अखलाक और किरदार से वाकिफ़ हैं, इनकी दरिया दिली से वाकिफ़ हैं, दुआएं देने आई हैं। ताहम गौस बाबा ने मिल्लत की इन ख़वातीन का भी ख्याल किया, इनमें भी तोहफे तहाइफ तकसीम किए और दुआएँ ली। मेट्रो पैलेस फंक्शन हॉल में हजरत सैयद इस्लामुद्दीन अहमद खादरी और हजरत हैदर वलीउल्ला पाशा नीलंगा के सज्जादा नशीन के ज़ेर सरपरस्ती में गुलबर्गे के मस्जिदों के इमाम लोगों की और मौजन लोगों की गुलपोशी हुई और उसमें लेडीज़ का भी साड़ियों का उसके बाद लेडीज़ के साड़ियों का भी प्रोग्राम का हुआ, जिसके मेरे दोस्त नजीब बाबा और कल्यार साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल लतीफ़ जुनेदी साहब, ये लोग सब मेरे साथ मेरे जन्मदिन के मौके पर जो तकसीम किया जा रहा है मिल्लत नगर इत्तेहाद कमेटी की तरफ से और नूरानी मोहल्ला इत्तेहाद कमेटी की तरफ से, ये लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी कौम की माँ और बहनों को जो तोहफे दिए गए हैं और उनका खाने का भी अहतमाम किया गया है, उसका मकसद ये है कि गुरबाओं को बर्थडे तो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं पर गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल हर कोई नहीं करता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अल्लाह मुझे गरीबों में रख और गरीबों में उठा। तो हमारा सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हम जब कभी भी कोई काम करें तो सबसे पहले गरीब का ख्याल करें, कि गौस बाबा जुनेदी का यही कॉन्सेप्ट था कि गरीबों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो अपन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट था। मैं गौस बाबा जुनेदी साहब को आपकी योम पैदाइश के दिन की पुरखलूस मुबारकबाद तहे दिल से पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उनके नेक मकासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपके तमाम को
غوث بابا نے اپنی سالگرہ کو جس طرح سے یوم خدمات کے طور پر منایا، سماج کے کمزور طبقات کو اپنی خوشی کے موقع پر نہیں بھولا، اس سے دوسروں کو بھی سبق لینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اپنی ذات سے دوسروں کا فائدہ پہنچا کر ہی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।